नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्लान के बारे में बताने वाली हूं, और जिस प्लान के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं है, और फ्लावरिंग इस वक्त दोस्तों किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त उस प्लांट की फ्लावरिंग का टाइम जो है वो नहीं आया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पेरेनियल प्लांट्स हैं उन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट तो की है, लेकिन अभी वो फुल ब्लूमिंग पर नहीं आए हैं। तो दोस्तों, मैंने आज इसीलिए इस पे वीडियो बनाया है जिससे कि मैं आप लोगों को इस प्लांट के बारे में बता सकूं, और अगर मैं इस प्लांट को तब बताऊंगी जब ये ब्लूमिंग पर आएगा तो आप लोग दोस्तों इतना अच्छी फ्लावरिंग अपने प्लांट से नहीं ले पाएंगे अगर आप इसे ऐड करना चाहेंगे अपने गार्डन में। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है हमारा, इस प्लांट का नाम है दोस्तों टिकोमा। तो टिकोमा की जो वैरायटी है वो बहुत ही वास्ट वैरायटी है गाइस, बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है। और ये जो प्लांट होता है ये तीन तरह में आता है, तीन तरह के प्लांट्स में ये मिलता है आपको। एक तो इसकी आपको मिलेगी दोस्तों बेल, एक आपको ये मिलेगा पेड़ नुमा टाइप का, और एक दोस्तों आपको ये जो प्लांट है ये मिलेगा डार्फ वैरायटी में, जो कि गमलों में लगाया जाता है। एक बात आपको और बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो ये जो प्लांट है, इसी प्लांट की वैरायटी में इसी से मिलता जुलता और इसी की फैमिली से बिलोंग गोरी चोरी का प्लांट होता है, तो उसका भी इंग्लिश नेम येलो टिकोमा होता है, येलो बेल टिकोमा। अगर आप जानते हो तो येलो बेल्स आप जानते होंगे, ये देखिए इसमें अभी भी कलियां आ रही हैं, देखिए ये देखिए कलियां आ रही है इसमें, मेरा गोरी चोरी का प्लांट जो मैंने अवेक किया था। तो दोस्तों ये वाला जो प्लांट है ये बिल्कुल इसी की फैमिली से बिलोंग करता है, और वो भी तीनों तरह से आता है। मैंने सुना ये है कि जो ये गोरी चोरी है इसकी बेल भी आती है, ये दोस्तों बड़ा पेड़ भी आता है इसका, और डार्क वैरायटी का भी आता है। डार्क वैरायटी आपके सामने लगी हुई है ये जो आप देख रहे हैं, और अगर आप इसे ऐसे ही लगाएंगे दोस्तों ग्राउंड में तो ये अच्छी तरह से पूरा पेड़ बन जाएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो कलियाँ तो खैर देखिए इस टिकोमा में भी है, तो ये ऑरेंज कलर का सॉरी गाइस, आज भी मेरी तबीयत खराब ही है तो इतना बोला नहीं जा रहा है, सॉरी गाइस। सो दोस्तों देखिए, ये इसमें भी कलियां आ ही रही है, तो ऑरेंज कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है, और अगर आप इसे अभी ऐड करते हैं तो आपके गार्डन को ये फूलों से पूरा का पूरा भर देगा। ये प्लांट दोस्तों आपको जो कॉस्टिंग है, इसकी कॉस्टिंग आपको सिंपली दोस्तों 80 रुपीज़ तक मिल जाएगी, या फिर 150 रुपीज़ तक भी मिल सकती है, प्लांट के साइज़ पे डिपेंड करता है। और अगर आप बहुत बड़ा प्लांट, अगर आपको बुशी प्लांट मिलता है तो वो फिर उसकी कॉस्टिंग धीमे धीमे बढ़ती है। तो मेरा ये जो प्लांट है, देहरादून के रेट्स के हिसाब से मुझे ये प्लांट 120 का मिला था, क्योंकि ये दोस्तों शहरी रेट है, एक तरह से समझिए सिटी रेट है ये, तो सिटी रेट के हिसाब से मुझे मिला था। यहाँ की कमल नर्सरी से मैं इसको लेके आई थी, तो यहाँ की बेस्ट नर्सरी में इसका रेट ये था, लेकिन आपको ऐसा नहीं है, नॉर्मल नर्सरीज जो होती है उस पर इसका रेट अच्छा रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। नेक्स्टली गाइस, एक बात आपको अब मैं बता रही हूँ, अब इसकी केयर को स्टार्ट करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी तरह रिच सॉइल ये मांगता है, रिच सॉइल मीन्स देखिए दोस्तों वेल ड्रेन सॉइल तो इसको चाहिए, लेकिन साथ ही रिच भी चाहिए। तो रिच सॉइल में आप लोगों को स्लो फर्टिलाइज़र मिलाना इम्पॉर्टेंट होता है, स्लो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं दोस्तों, स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र्स, उनको ये आपको मिलाने पड़ेंगे, तभी आप लोग इसको अच्छी तरह से दोस्तों ब्लूमिंग इससे ले पाएंगे। तो रिच सॉइल ये मांगता है बिल्कुल गोरी चोरी की तरह, और आप लोग एक भाग इसमें गार्डन सॉइल रख सकते हैं दोस्तों, वेल गार्डन सॉइल, मतलब मैं गार्डन सॉइल की बात ही कर रही हूँ, मैं पुरानी गार्डन सॉइल की बात कर रही हूँ रिच सॉइल में। और सेकेंडली दोस्तों, आप इसमें रेता तो रखेंगे ही, रेता यानी सैंड, तो आप या तो रिवर सैंड ले लीजिए, या नॉर्मल जो हमारी दोस्तों कंस्ट्रक्शंस में यूज होती है वो सैंड ले लीजिए, दोनों ही इक्विवेलेंट है, और रिवर सैंड मिल जाए तो और अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये रिच सॉइल मांगता है। नेक्स्टली आप लोग दोस्तों उसमें काउ डंक या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, वैसे जहाँ तक मैं रेकमेंड करूँगी, अगर ओल्ड काउ डंक है आपके पास दोस्तों, सॉरी गाइस आज तो मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, अगर आपके पास रिच सॉइल में बिल्कुल समझिए दोस्तों वेल काउ डंक है, मतलब बहुत अच्छा पुरानी आपके पास खाद है काउ डंक की, तो आप लोग उसे इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों।
वर्मी कंपोस्ट से भी ज्यादा बेटर होती है। देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट जब बनाई जाती है ना दोस्तों, तो उसमें भी देखिए मिलावट तो हर चीज में आजकल तो मिलावट उसमें मिलेगी, लेकिन अगर आप प्योर चीज इस्तेमाल करेंगे तो इस प्लांट के लिए ज्यादा अच्छा है। बाकी इसमें स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स के नाम पे आप नीम खली का पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए, और आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों बोन मील का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बोन मील को बिल्कुल कोने कोने में डालिए, क्योंकि फंगस अटैक इसमें हो सकता है, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है वो बिल्कुल नीचे नीचे से भी दोस्तों लीव्स निकलती है। वैसे इस पर फंगल अटैक अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बल्कि फंगल अटैक क्या, मैंने किसी भी तरह का इंसेक्ट अटैक अभी तक नहीं देखा। इतना सारा दोस्तों टाइम निकल चुका है, मतलब एफर्ट टाइम था ये बहुत तगड़ा, तब भी इसमें मैंने अभी तक कोई भी किसी भी तरह का माइट अटैक या कुछ भी नहीं देखा है। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी है और इसमें अटैक नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मैं तो इसे कहूँगी नो केयर प्लांट है। फिर दोस्तों इसमें आप लोग फर्टिलाइज़र आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक चीज़ आप और इसमें डाल सकते हैं, इसमें आप लोग दोस्तों फंगस पाउडर ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि फंगस पाउडर जो होता है वो हर प्लांट दोस्तों मांगता ही है, क्योंकि प्लांट में लगे ना लगे सॉइल में फंगस लगी जाती है। तो फंगस पाउडर बहुत बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चम्मच डेढ़ चम्मच फंगस पाउडर गमले के हिसाब से ज़रूर डालिए। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी सॉइल की बात, बाकी इस पर वाटरिंग आप लोग दोस्तों धीमे धीमे कीजिए, बिल्कुल ऐसे वाटरिंग कीजिए इस पर जैसे दोस्तों मॉइस्चर है सॉइल, बिल्कुल भी सॉगी ना हो। नेक्स्टली गाइस आप लोग इसमें सनलाइट जो दिखाएंगे, तो सनलाइट इसमें आप फुल सनलाइट दीजिए, फुल सनलाइट का ये प्लांट है, बिल्कुल भी 3-4 घंटे ऐसे कुछ सनलाइट का बात नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक इसको सनलाइट चाहिए, और जितनी ये सनलाइट लेगा उतनी अच्छी ब्लूमिंग आपको ये देगा। बिल्कुल पैरेनियल प्लांट है और बिल्कुल पैरेनियल आपके गार्डन में बना रहेगा, एक बार आप ले आएंगे हमेशा हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा अगर आप केयर करते हैं, और आपके प्लांट को भगवान की कृपा से कुछ होता नहीं है तो। तो दोस्तों ये आपका पैरेनियल प्लांट है। नेक्स्टली मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें नीम ऑयल का कॉशन जरूर लीजिए, वैसे तो इसमें किसी भी तरह का अटैक मैंने अभी तक नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं एक दिन भी टाइम टू टाइम मीन्स इस पर स्प्रे करती हूँ, और स्प्रे से नीम ऑयल के स्प्रे से ये शायद बचा रहता है या फिर कोई और वजह है, तो अभी तक तो मैंने कोई इफेक्ट नहीं देखा है, लेकिन नीम ऑयल का कॉशन जरूर लीजिए इस प्लांट पे, क्योंकि जहाँ ग्रीनरी वहाँ पर इफेक्ट्स जरूर आते हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्टली आप लोग इसमें नेक्स्टली दोस्तों पेरेनियल प्लांट्स के लिए एक आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी संग की संग, अगर आप लोग दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का प्लांट जैसे कि वाटर प्लांट नहीं पालते हैं, वाटर प्लांट जैसे कि अब देखिए मेरे पास यहाँ पर वाटर प्लांट्स में एक तो मेरा लोटस है ये देखिए यहाँ पर, और एक दोस्तों ये वाटर कैबेजेस हैं। तो वाटर कैबेजेस अगर आप पालते हैं, और मतलब पालते क्या हैं, क्या बोल रही हो दोस्तों, मतलब कि वाटर कैबेजेस को अगर आप वाटर में रखते हैं और अपने गार्डन में ऐड करते हैं, तो दोस्तों वाटर में ऐड करने से क्या होता है, वाटर मॉइस्चर बना के रखता है प्लांट्स में, और जहाँ पर मॉइस्चर बना होता है वहाँ पर दोस्तों प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। तो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए अपने गार्डन में या तो आप एक बकेट पानी भर के रखिए अपने प्लांट्स के पास, या फिर दोस्तों आप लोग किसी भी तरह का वाटर प्लांट ले आइए, या तो आप लोटस ले लीजिए, लोटस की केयर कर लीजिए दोस्तों, या फिर दोस्तों आप लोग वाटर कैबेजेस, सबसे इजी प्लांट है वाटर कैबेजेस की केयर कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप लोग वाटर लिलीज रख लीजिए, वाटर लिलीज बहुत अच्छे प्लांट है साथ में इनके, मतलब जहाँ पानी होगा दोस्तों वहाँ इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी दोस्तों, सही में वाकई बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जब से मैंने वाटर रखना शुरू किया। या फिर अगर आप कोई प्लांट नहीं पालना चाहते दोस्तों, मैं लगातार पालना वाला कर रही हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे अपनी फिशेस की याद आती रहती है हर वक्त, क्योंकि जब से मैंने अपनी फिशेस पाली है ना तब से मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। चलिए खैर छोड़िए,
तो जब से मैंने ये लोटस अपने गार्डन में ऐड किया है दोस्तों, तब से मैं देख रही हूँ मेरे प्लांट्स में एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है मॉइस्चर से। और अगर आप किसी भी तरह का प्लांट अपने गार्डन में, इस तरह का वाटर प्लांट नहीं रखना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपल वाटर भर के रख लीजिए। चिड़ियों के लिए भी अच्छा है दोस्तों, ठंडा पानी भर के रखिए। गर्मियाँ आ रही हैं, ठंडा पानी चिड़ियों के लिए रखिए। प्लांट्स के लिए भी अच्छा है, चिड़ियों के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से इन प्लांट्स की केयर कीजिए। पेरिनियल प्लांट्स या किसी भी तरह के प्लांट्स की जान होती है दोस्तों पानी। और अगर पानी हमें दिखता रहे, आप सोचिए अगर हम किसी झरने के पास बैठ जाएं तो हमें कितना अच्छा लगता है, मेडिटेशन होता है, दिमाग शांत होता है। सेम एज प्लांट्स के पास भी एक तरह का समझिए साइकोलॉजिकली ब्रेन है, जिस जो कि पानी को देख के खुश होता है और खुश होने से उसकी अच्छी हेल्दी ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं कि कोई भी चीज़ दोस्तों अपने पास रखती हूँ ना, तो उसको सबसे पहले मैं साइकोलॉजिकली समझती हूँ। किसी भी कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को या तो आप पेट पालें या फिर दोस्तों आप लोग किसी भी तरह का प्लांट अपने गार्डन में ऐड करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसे साइकोलॉजिकली समझें। अगर आप उसे साइकोलॉजिकली समझते हैं तो समझिए उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा और वो आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा। ऐसा हमें देखने में लगता है कि ये प्लांट्स जो हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन ये भी किसी जीव से कम नहीं है। इनके अंदर भी सेम सोल जैसे हमारे अंदर है, सेम इनके अंदर है। तो इनके बारे में हमें सेम सोचना चाहिए। मैंने इनसे बात तक करती हूँ दोस्तों, इन्हें म्यूज़िक तक सुनाती हूँ जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो। साइकोलॉजिकली मैं अपने प्लांट्स का बहुत ध्यान रखती हूँ। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप भी टिकोमा प्लांट को ऐड कीजिए या फिर टिकोमा की बेल को ऐड कीजिए। टिकोमा की बेल भी बड़ी सुंदर होती है। अभी मेरी भी ग्रो हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पास है टिकोमा की बेल, धीमे धीमे अब वो ग्रो हो रही है। सो गाइस बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।